हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सभी? तो आज हमारा ये वाले रूम का काम चालू हो गया है, ड्राइंग रूम का। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने सारा सामान खाली किया है हम दोनों ने मिलके, और हमारे साथ हमारे दोनों प्यारे प्यारे बच्चे भी काम में लगे हुए हैं। तो मतलब हम चारों मिलके साफ सफाई का अभियान चालू कर दिए हैं आज फिर। तो जब एक रूम का चालू किया तो सारा का सारा फिर करना ही पड़ता है ना। पहले तो हमने सोचा कि एक ही रूम को कर लेते हैं अभी, फिर एक दो दिन बाद करेंगे। पर ना जैसे ही हमारा बेडरूम साफ़ हुआ उसके बाद हम लोग को ये सारा गंदा गंदा सा लगने लगा था। तो हमने सोचा कि चलो अब सारा काम निपटा ही लेते हैं। तो बस यहाँ पे सारा रूम अब ऑलमोस्ट खाली हो ही गया है। बड़ा बड़ा सामान जो ये सेल्फ में रखा हुआ था ना ऊपर बहुत सा, तो वही सारा, और अब ये छोटा मोटा निकल रहा है। छोटा मोटा क्या, टीवी निकल रही है। इसके बाद शोकेस खाली करना है, बहुत से काम है अभी। और ये देखो दोनों बच्चे कितने प्यारे इधर उधर ढूंढते रहते हैं, क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं करके। और ये सब सामान लगाने में जितनी दिक्कत होती है ना उतना ही दिक्कत निकालने में होती है। ऐसा नहीं है कि फटाफट से सारा काम हो जाता है। और ये एक एक तार निकालना पड़ता है क्योंकि सारा जॉइंट था होम थिएटर से, तो उसके तार और एलईडी के तार सब एक में एक हो गए थे। तो सारे के सारे निकालने के बाद फिर साफ़ सफाई होगी। तो बहुत सा जाला भी हो गया, ये देखिए कितना सारा हो गया है ना। तो जब सामान रखा रहता है ना तब समझ में नहीं आता है, और जब सामान निकाल लो और जब खाली घर करो ना तब पता चलता है कि कितना डस्ट हुआ रहता है। तो ये इसको भी हमने साफ़ कर लिए होम थिएटर को। ये वाला हम लोग पिछले साल ही लिए हैं, पहले एक सोनी का रखा हुआ था तो वो थोड़ा सा मतलब उसका साउंड ठीक नहीं आ रहा था, तो हम लोग ने फिर उसको चेंज करके ये वाला ले आए हैं। तो बस अब यहाँ पे हम लोग की डस्टिंग वगैरह कर लेंगे और फिर पेंट करेंगे घर को। तो हम लोग ना पहले का पेंट रखा हुआ था उसको दूसरे रूम में कर लिए, अब यहाँ के लिए लेके आए हैं। तो वही नया वाला, एक पिछले साल का रखा हुआ था थोड़ा सा, तो उसी का पहले यूज़ कर लिए हैं। तो कोई भी चीज़ को फेंकना नहीं चाहिए ना, वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो वही हम लोग यूज़ कर लिए हैं। अब ये रूम को अब शुरू से करने की तैयारी, मतलब दूसरा कलर लेके आए हैं हम लोग। अब देखते हैं दूसरा कलर कैसा लगता है। तो वही इसका थोड़ा डार्क येलो में लेके आए हैं। तो ये देखिए शोकेस में भी कितने सारे सामान हैं ना, ये सारे के सारे हम लोग निकालेंगे क्योंकि ये ना शोकेस में बहुत अच्छे से रखे रहते। और सब लोग बोलते हैं कि आपके बच्चे खेलते नहीं हैं, शोकेस में सारा खिलौना पड़ा रहता है, अच्छे से रखा रहता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, वो ना मांगते नहीं हैं क्योंकि उनके पास नीचे भी रहते हैं खिलौने, तो उन लोग का ध्यान ही नहीं जाता है ऊपर, ऐसा है। तो और हम लोग ना ज़्यादा मतलब बहुत ज़िद्दी नहीं है, मेरे बच्चे ज़्यादा ज़िद्द नहीं करते कि हमको चाहिए यानी चाहिए ही चाहिए। नहीं तो हैं कुछ बच्चे ऐसे कि बस चाहिए यानी चाहिए, ऐसे नहीं है बेचारे, नहीं बोल दो ना एक बार तो समझ जाते हैं। और देखिए बच्चों के साथ हम दोनों मिलके किस तरह से काम कर रहे हैं, बहुत परेशानी भी होती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग लिए जीवन जी रहे हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है। बच्चों के साथ और बहुत एडजस्ट करना पड़ता है और बहुत मुश्किल होती है कोई भी नया काम करने में। और जब काव्या छोटी थी ना 3-4 महीने की, तब से लेके 1.5 साल तक उसने इतना परेशान करी है कि मैं खाना भी नहीं बना पाती थी। इसके पापा जब ड्यूटी से आते थे तब मैं झाड़ू पोछा करती थी और खाना बनाती थी, क्योंकि ना उसको मुझे गोदी में ही लिए रहना पड़ता था। तो ये देखिए मैंने शक्कर लेके आई हूँ कल, और ये पेंट का डब्बा लेके आए हैं। तो बस ये शक्कर को रखना है, और जैसे ही ये वाला भी रूम हो जाएगा ना तो हम लोग किचन और ये छोटा वाला बरामदा इसको भी करने की सोचेंगे। तो बस ये वाला काम निपट जाए इसके बाद फिर किचन सोचेंगे, क्योंकि एक रूम करते करते ही हालत ख़राब हो जाती है। और मुझे भी ना खाना भी बनाना है, क्योंकि आज मैंने खाना भी नहीं बनाया है, पर दाल चढ़ाती है।
और अभी साफ सफाई चल रही है ना, तो बच्चे लोग को खेल खिलौने भी बहुत सारे मिल जाते हैं इधर उधर। तो देखिए इसको ना एक भगवान जी की पट्टी मिल गई है, तो वो पकड़ ली थी तो मैंने उसको बांध दी हूँ। और ना इसने ना नहा ली थी क्योंकि ये ना गीली हो गई थी पानी खेल खेल के, इसलिए। और मैंने भी नहाई थी, अभी नहाने के बाद फिर मैंने पूजा की फटाक से। और ना सब यानी फ्रेश होके फिर कोई भी काम करो तो अच्छा लगता है, काम करने में मन भी लगता है, फिर चाहे गंदे हो या कुछ भी हो जाओ, फिर और नहा लेंगे क्या है। तो वही साफ सुथरे होके फिर मैं चाय वाय पीती हूँ, उसके बाद फिर करती हूँ। तो फिर ये देखिए यहाँ से भी झाड़ना स्टार्ट हुआ है। यहाँ इतना सारा कचरा है कि मैं आपको बता नहीं सकती और आप समझ भी नहीं सकते, क्योंकि हम लोग ऐसी जगह में रहते हैं ना कि यहाँ पे कार्बन बहुत है, मतलब यहाँ कोल माइंस है तो कार्बन तो बहुत ही ज़्यादा है। और इसके पहले जहाँ हम रहते थे ना सेक्टर ए में, तो वहाँ से पास से ही ट्रेन गुजरती थी, तो वहाँ तो बालकनी में निकलना भी मुश्किल हो जाता था, क्योंकि बालकनी में एनी टाइम काला काला पड़ा रहता था, काला काला मतलब कार्बन। तो जब धो और उसके बाद फिर निकलो तो वही बहुत दिक्कत होती थी। और दादू भी बहुत छोटा था, तो या 2.5 साल का था लगभग, तो वो बेचारा नहीं जा पाता था, मतलब वो काव्या जैसे नहीं था। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ अब खाना बनाने में, क्योंकि बच्चों को लग रही है भूख। और मैंने ना दाल में एक तो तुरई डाल के टमाटर और एक टमाटर और 2 मिर्ची डाल के पका ली थी, तो बस इसको मैं करी पत्ता से तड़का दूंगी। और मैंने प्याज भी नहीं कट किया है क्योंकि मेरे पास टाइम आज बिल्कुल भी नहीं है। और लहसुन की जगह हींग ऐड कर दी है, नमक और हल्दी डाल के बस ये दाल को मिक्स कर देंगे। बस ये दाल उबल जाएगी और मैं चावल भी रख दूंगी। और चावल आजकल ना मैं गंजी में ही बना रही हूँ, क्योंकि ये वाला चावल बहुत गीला गीला सा बन जाता है, तो वही थोड़ा फरफरा रहना चाहिए ना, दाना दाना अलग अलग। तो वैसा चावल बनाने के लिए फिर ना मैं गंजी में बनाती हूँ, तो गंजी में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, बहुत जल्दी बन जाता है वो भी। तो बस अभी काम है, तो बस दाल चावल बनाओ और दाल चावल खाओ। और बच्चों के लिए देखती हूँ कि क्या आटा भींगा हुआ रखा है, अगर वो रोटी खाएंगे तो रोटी बना दूँगी, तो जैम रोटी खा लेंगे, नहीं तो फिर पराठे बना दूँगी, तो शक्कर वाला पराठा, मीठा पराठा खा लेंगे वो लोग। और अभी तो खेल रहे हैं फ़िलहाल, पर उनको भूख लग गई है, बोल रहे हैं कुछ खाने दे दो मम्मा, तो मैंने बोला चलो दे देती हूँ। और साथ में फिर इधर खाना भी बन ही जाएगा बस, तो ये बर्तन भी जमा दिए। और ये देखिए दाल भी पक गई है, बस थोड़ा सा धनिया ऐड करके अब मैं चावल रख दूंगी। और ना मुझे तो काम रहा तो भूख नहीं लगती है, भूख लगती भी है तो बिस्किट टोस्ट खा लो, नमकीन खा लो चाय के साथ, तो थोड़ी देर के लिए भूख शांत हो जाती है, नहीं तो इतने टाइम मेरी आदत है 11 बज गया है कुछ ना कुछ खाने की। तो आज हमने नहीं खाया है, बस चाय बिस्किट खाए हैं सुबह। और बस यहाँ पर मैं चावल बनाने लग गई हूँ। और ना क्या बोलते हैं भाई, मैं ये बता रही थी कि हाँ आजकल बिस्किट और तो उसका ज़्यादा ही यूज़ हो रहा है, क्योंकि आजकल नाश्ता बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा है। और बस जब भी भूख लगी, और खाना भी ना 11-12 बज, मतलब 11 तो बहुत कम है, 12-1 हो ही जाता है, और खाते तक हम लोग को 2-2.5 बज जाता है। तो बच्चे लोग के लिए मैं रोटी बना देती हूँ, तो वो खा लेते हैं जैम के साथ या शक्कर के साथ, पर ना हम नहीं खा पाते हैं, हम लोग को नहीं अच्छा लगता, तो वही हम लोग चाय बना लेते हैं, तो चाय पी लेते हैं और टोस्ट या फिर ब्रेड या बिस्किट खा लेते हैं। तो देखिए दाल हो गई है, तो अब मैं बस चावल रख दूंगी। और ना बच्चों के लिए मैं रोटी बना देती हूँ गर्मा गर्म, तो वो रोटी खा लेंगे। और हाँ मैं बता रही थी, कुछ भूल गई थी, तो कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ दीदी आपको ज़्यादा काम नहीं होता होगा, आप लोग बाहर रहते हो तो, और जो अपने घर में रहते हैं उन लोग को बहुत ज़्यादा काम रहता है। पर देखिए आप लोग देख ही रहे हैं, ऐसा है कि चाहे 2 लोग रहो या 4 लोग रहो, जब एक परिवार हो जाता है ना, तो धीरे धीरे आवश्यकताएं की सारी ज़रूरत के सामान हो जाते हैं, और फैमिली बड़ी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो धीरे धीरे काम बढ़ ही जाते हैं, चाहे घर हो या बाहर हो। तो घर में है तो बच्चे लोग को बड़े संभाल लेते हैं, आस पड़ोस वाले संभाल लेते हैं, क्योंकि सब अपने ही होते हैं। पर यहाँ हम लोग को तो बच्चों को भी देखना है, अपने आप को भी देखना है, काम को भी देखना है, खाना भी देखना है, सब कुछ देखना है। तो ऐसा है कि काम तो काम होता है, चाहे कम करो या ज़्यादा, या
घर में रहो या बाहर रहो। और हाँ, ऐसा है, और ऐसा भी है कि करने पे भी डिपेंड करता है। अगर हम अभी हमारा घर अभी भी साफ़ सुथरा ही था, अगर हम लोग चाहते ना कि पेंट ना करें, साफ़ सफाई ना करें, तो भी चलता, पर हम लोग की आदत ही नहीं है गंदे में रहने की, तो हम लोग को नहीं अच्छा लगता है, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो भले ही हम लोग भूखे रह जाएंगे, पर साफ़ सफाई तो करेंगे ही करेंगे, ऐसा है। और ये देखिए, काव्या और लादू की मस्ती चल ही रही है, और ये पेंट बना रहे हैं। ये बकेट में आया था ना, तो इसको घोलना पड़ता है, कलर बनवाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को दे दिए हैं खाने, और बस इसके पापा पेंट करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो वो उस साइड से कर रहे हैं जिस साइड शोकेस है। और बस इसके बाद ना मैं ये लोग खा लेंगे, और फिर मैं दूसरा जो सामान था यहाँ का, फ्लावर्स हैं और जो जो भी है, सब यहाँ साफ़ करूँगी। और ये गद्दा सुखाए हैं हम लोग, और मैंने ना सारे टेडी आज मशीन में धो दिए हैं, तो उसमें सुखा भी दिए थे, तो ये सूख ही गए हैं, बस थोड़ा सा धूप दिखाना बाकी है। और आज धूप उतने अच्छे से नहीं निकली, पर ना ये सूख जाएंगे। और बस पाइप लगा के और सारा का सारा धोना यहाँ पे है। और अभी तो ये ठीक है थोड़ा सा है, पर जिस दिन किचन का निकलेगा ना, तो उस दिन बालकनी में जगह ही नहीं रहेगी बिल्कुल भी। तो चलिए, कभी कभी तो घबराहट होने लगती कि हे भगवान, मैं इतना काम कैसे करूँगी। पर इसके पापा है ना, वो मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं घर के काम में, तो वही मेरी हेल्प करते हैं सब, और ना मुझे बताते हैं कि हाँ ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, नहीं तो मेरा दिमाग ही नहीं चलता कि मैं कहाँ से काम शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ। तो वो बोलेंगे ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो फिर हो जाता है धीरे धीरे, दोनों मिलकर कर लेते हैं। और ना जितना काम करना नहीं अखरता ना, उतना बच्चों को संभालना अखरता है सही में। कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि कुछ ना करूं, बस खाली बैठे रहूं, खाओ पियो ऐस करो बस। और ये सब काम हम लोग काम वाले लगवा के करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं करवा सकते। कोई पैसे की भी बात नहीं है, पैसा भी दे सकते हैं, पर यदि इतना काम नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे हम लोग? बस खाएंगे और रहेंगे, और खा खा के मोटे हो जाएंगे, है ना? तो इतना काम तो बनता है थोड़ा बहुत, तो शरीर का हेल्थ भी ठीक रहता है, शरीर भी ठीक रहता है, और चर्बी भी नहीं बढ़ती शरीर में, तो थोड़ा बहुत काम करना तो बनता ही है। पर ये वाला जो होता है ना, दीपावली का नहीं, नवरात्रा का साफ़ सफाई हो रहा है अभी, तो अभी टाइम है, इसीलिए मैं बोली कि कर लेते हैं, नहीं तो फिर कभी कभी इसके पापा को ड्यूटी में काम फंस जाता है ना, तो फिर वो टाइम नहीं दे पाते हैं इतना। तो अभी नाइट ड्यूटी चल रहा है, तो नाइट में चले जाते हैं, फिर दिन में थोड़ी देर कर लेते हैं 2-4 घंटा, और फिर आराम कर लेते हैं। तो ये देखिए, मेरे साथ साथ मेरी बेटी भी करवा रही है, और डांट भी खा रही है, और डांट भी बहुत खाती है वो आजकल तो डांट भी क्या, मार भी खा लेती है, पर हो गया 2-4 दिन, तो इसको ऐसा करना ही पड़ेगा। और सोचो, हम भी छोटे रहेंगे तो हम भी ऐसी मस्ती करते रहेंगे ना। तो ये देखिए, पानी उठा रही है वहाँ का, क्योंकि दादू भी उठा रहा था ना इसीलिए। और साथ ही साथ मैंने ये पर्दे वर्दे भी धो दिए हैं, क्योंकि जैसे पेंट करके होगा तो मोटा मोटा सामान हम लोग रख देंगे। और ये जो गद्दा सूख रहा है ना, ये बहुत ही, इस पे चाय दूध सब गिर गिर के बहुत ख़राब हो गया है। बस 1-2 साल बाद हम इसको बनवाएंगे, क्योंकि तब तक बच्चे भी बड़े हो जाएंगे और समझदार हो जाएंगे। तो अभी ना ये लोग चाय पीना है, दूध पीना है, चाय तो पीते नहीं है खैर, पर दूध पीना है, तो ये लोग गिरा देते हैं बिस्तर पे। तो ये देखिए, इधर फिर से चालू हो गया, और चलिए फिर हम भी थोड़ी देर से मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद में। हेलो हेलो फ्रेंड्स, देखिए सारा रूम क्लीन हो गया है, पूरा पेंट हो गया, बस सेल्फ बचा है। अभी लग रही है बुक, तो पहले पेट सीधा कर लेते हैं, और उसके बाद फिर करेंगे पूछा। तो यहाँ मैं ला रही हूँ खाना, क्योंकि
सारा घर का या नहीं सारा ही वाला रूम पेंट हो गया है, बस नीचे ना थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा ये जो गिरा रहता है वो भर है, तो उसको बस पोछना है और सामान जमाना है बस। तो आज का हमारा टारगेट हो गया है पूरा, तो बस खाना खाएंगे और नीचे से पोछ लेंगे और उसके बाद फिर थोड़ा मोड़ा सामान जमाएंगे बस। और पता है क्या हुआ, दाल फ्राई की थी और फिर रोटी बन गई, तो उसके बाद फिर मैंने ना आलू मटर की सब्जी बना दी थोड़ी सी, क्योंकि सब्जी नहीं रही तो फिर रोटी नहीं खिलाती है इसीलिए। और बच्चे खा रहे हैं दाल चावल, और ये रोटी को थोड़ा सा मैं कड़क कर लेती हूँ ना तो ये बहुत अच्छी लगती है बच्चे लोग को, तो वही मांग मांग के खाते हैं। तो चलिए हम खाते हैं खाना सिंपल सा, और आप इंजॉय करिए हमारा ब्लॉग। और हाँ, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और अभी सिंपल सिंपल ब्लॉग्स बना रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे अब क्या बनाएंगे थोड़ा मोड़ा, पर आगे आगे थोड़ा कोशिश होगी कि मैं अपने ब्लॉग्स को और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए खाना खा लेते हैं सबसे पहले। तो खाना वाना खाने के बाद फिर मैं ये रूम को पोछा लगाने लगी थी, क्योंकि ना जो पेंट गिरता है तुरंत तुरंत निकाल लो तो ठीक रहता है, और जब काम रहता है तो नींद भी नहीं लगती, नहीं तो खाना खाने के बाद तो मेरी आदत सी बन गई सोने की। तो चलिए पोछ लेते हैं और फिर मिलते हैं शाम को आपसे। तो अभी चाय टाइम और दूध गर्म हो रहा है, पता है आज पूरा दूध बाहर निकल गया। और अभी तो वो रूम का पूरा फिनिश हो गया है, बंद कर दूं तो वो वाले रूम का आज पूरा काम फिनिश हुआ है, और ये भी फिनिश हो गया है, बस किचन और बरामदा और बालकनी बची है। तो सबसे मेन है किचन, इससे भी और वाले रूम से भी ज़्यादा। तो चाय पी लेती हूँ, और 7 बज गया है अभी।